अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हजूर मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ जी। जी। हजूर मेरे बेटे का नाम मोहम्मद शाहमीर है। जी हजूर बोलता नहीं है, कोई बात समझता नहीं है, तो एक ही बेटा है। क्या आपके खानदान में इस तरह का कोई फर्द पहले था है? नहीं हजूर ऐसा कोई फर्द नहीं है, ना वालदा की तरफ ना मेरी तरफ भी। खानदान में दूसरा सवाल है कि बवासीर है किसी को? बवासीर नहीं है जी। ठीक। उम्र कितनी है बच्चे की? हजूर 5 साल का हो जाएगा जुलाई में जी। अच्छा। सूरत अलम नशरह 11 दफा हर नमाज के बाद पढ़ के उसके कानों में उसके मुंह में दम करें, एक तो ये है। और सूरत अलम नशरह जाफरान से कागज पे लिखें बगैर जेर जबर के, बगैर नुक्तों के लिखकर इस बच्चे को जी हजूर रोजाना पिलाएं। एक सूरत अलम नशरह सुबह पिलाएं, एक सूरत अलम नशरह शाम को पिलाएं। दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज जी ये है हजूर कि सारा दिन सूरत अलम नशरह पढ़ें इस बच्चे का तसव्वुर करके, इसका ध्यान करके। और एक नफिल बताता हूँ, एक अमल बताता हूँ। एक बार सूरत यासीन पढ़ें और उसके बाद जब मुबीन पर पहुंचें तो 7 बार सूरत अलम नशरह पढ़ें। ये रोजाना जी एक पढ़ के उस बच्चे पे फूंक भी मारें, पानी पे दम करके उसको पिलाएं। ये रोजाना पढ़नी है सूरत जी यासीन, हजूर और हर मुबीन पर 7 बार अलम नशरह आपने पढ़ना है। आप ये अमल करें। और एक और है कि बच्चे का वजन जितना है उसके वजन के बकदर चावल ले लें, टोटा चावल हो, कच्चा हो, सस्ता हो। वो किसी समंदर, दरिया, नहर, झील में जहाँ साफ पानी, मछलियाँ हों वो डालें। ये अमल ताक अदद में करें, जी 3, 7, 9, 11, ये ताक दफा करें। ये अमल चावल डालने वाला, उसकी मुट्ठी भर लें उसमें जी से, हजूर हर मुट्ठी पे, हर दाने पे अल्लाहुस्समद जी पढ़ें। हो जाएगा मसला हल इंशाअल्लाह। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपकरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।